नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लाइफ टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे ये जो कार का वॉशिंग का इसका जो पंप रहता है, यहाँ से जो पानी यहाँ से ग्लास के ऊपर पानी छोड़ता है, ये जो पंप है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हमें रिपेयर है वो कैसे करें वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। ये वॉशिंग का यहाँ पे वॉशिंग का टैंक इनसाइड रहता है और यहाँ से ये जो लाइन है वॉशिंग की, ये पंप की लाइन ऊपर तक जा रही है, तो इसका मोटर है वो यहाँ पे इनसाइड है। वो खोलने के लिए हमें यहाँ पे टायर के पास से नीचे से यहाँ पे इसका जो स्क्रू है वो खोल कर यहाँ से मोटर को हम निकाल लेंगे। उसके बाद उसका सर्विस कर फिर यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों, मेरे पास ये अल्टो कार का ग्लास क्लीनिंग का जो पंप रहता है वॉशर पंप, उसका ये मोटर है जो वर्क नहीं कर रहा था, जो पानी का पंपिंग है वो नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये शायद इस जाम हो गया है। अब मैं इसको ओपन कर इसको रिपेयर कैसे करना है वो हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो मोटर है ये मोटर कभी खराब नहीं हो सकता, ज़्यादातर इसमें इसका जो रोटर रहता है वो जाम हो जाता है इनसाइड, ठीक है। तो उसको हमें खोलकर इसको थोड़ा इसका सर्विस करेंगे और फिर इसको फिटिंग कर देंगे। ये मोटर में इस तरफ है, इसको सप्लाई देनी है की है, इसका कनेक्टिंग लीड है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ से यहाँ से वो पानी है वो इनकमिंग आएगा और यहाँ से आउटपुट जाएगा। तो ये साइड है वो पंप की साइड है, तो हमें पंप की साइड है उसको खोलना है और उसके अंदर का जो रोटर है उसको हमें फ्री करना है, उसमें हमें थोड़ा सर्विस करना है। तो पहले इसको ओपन कर देखते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये बीच का पार्ट है, उसके बीच में स्क्रू ड्राइवर को डालकर हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ से स्क्रू ड्राइवर को धीरे से ऐसे पुश करना है, चारों तरफ से इसको धीरे से खोलना है ताकि ये टूट ना जाए। और यहाँ पे हम इसका पंप है वो देख सकते हैं, ये जो पंप है इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी इसका ये जो रोटर का शाफ्ट दिखाई दे रहा है इसको हमें, ये थोड़ा जाम है, ये घूमने में थोड़ा जाम हो रहा है, इसको प्लायर से हम घुमाने का कोशिश करेंगे। ये मेरे पास प्लायर है, ये थोड़ा जाम है, इस थोड़ी ताकत करनी पड़ रही है। ये मोटर है वो कई बार ज्यादा टाइम पर हम इसका यूज नहीं करते हैं तो ये जाम हो जाती है, अक्सर इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। और इसमें हम थोड़ा सा ये ऑयल है, स्विंग मशीन का ऑयल है, तो वो ऑयल का 2-3 बूंद इसमें डालेंगे। ऑयल करने से ये ज़्यादा फ्री हो जाएगा। अब धीरे धीरे फ्री हो रहा है। इसके बाद हाथ से भी घुमाएंगे और फिर इसका जो रोटर है वो फिट कर देंगे इसमें। उसके बाद रोटर को ऐसे हाथ से घुमाना है ताकि ये पता चल जाए फ्री हो गया है। और फिर इसको ओरिजिनल पोजीशन में इसको फिटिंग कर देना है।
ठीक है, ये हो गया फिट। अब इसका ट्रायल लेके हम देखेंगे ये मोटर अभी सही हो गए हैं कि नहीं। अब हम मोटर का ट्रायल लेंगे, मोटर का स्पेसिफिकेशन देखते हैं। डीसी 12 वोल्ट की ये मोटर है, यहाँ पे मेरे पास एक 12 वोल्ट का डीसी का चार्जर है, ठीक है, ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है। इससे हम मोटर को सप्लाई देंगे। देखिए मोटर अभी स्टार्ट हो रहा है, जर्क मिलने पर घूम जाता है ताकि ये मोटर अब बिल्कुल सही हो गया है।